अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेसेस। तो इसमें आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे, द स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग, फ्रॉम टेस्टिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बाय सिस्टम कस्टमर। हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू टेक्निक्स दैट हेल्प टू यू चूज टेस्ट केसेस दैट आर geared to discovering program defects. Understand test first development where you design tests before writing code and run these tests automatically. Now about three distinct type of testing: component testing, system testing, release testing. इसके contents क्या हैं? Development testing है, test driven development है, releasing testing है, user testing है। प्रोग्राम टेस्टिंग। टेस्टिंग इज इंटेंडेड टू शो दैट अ प्रोग्राम डज व्हाट इट इज इंटेंडेड टू डू एंड टू डिस्कवर प्रोग्राम डिफेक्ट्स बिफोर इट इज पुट इनटू यूज। टेस्टिंग क्या है कि हमने प्रोग्राम को चेक करना है कि उसको डिस्कवर करना है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसको यूज़ करने से पहले हमने उसको वेरीफाई करना है कि उसको टेस्ट करना है कि इसमें कोई डिफेक्ट ना हो। व्हेन यू टेस्ट सॉफ्टवेयर यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम यूजिंग आर्टिफिशियल डाटा। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप एक आर्टिफिशियल डाटा को एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं बाई यूजिंग आर्टिफिशियल डाटा। यू चेक द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट रन फॉर एरर एनोमलीज और इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। इट कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ एरर्स नॉट देयर एब्सेंस। Testing is part of a more general verification validation process, which also includes static validation techniques. जब भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तो आपने दो चीजें करनी है। Demonstrate to the developer and the customer that the software meets its requirement. ये देखना है कि जो customer की requirement थी software उसको meet कर रहा है या नहीं। For custom software this means that there should be at least one test for every requirement in the requirement document. Custom software वो होता है जो एक specific कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है, जो वो अपने लिए स्पेसिफिक कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा है। तो कस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है कि इसमें एटलीस्ट हर रिक्वायरमेंट का एक टेस्ट केस होना चाहिए। फॉर जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इट मींस दैट देयर शुड बी टेस्ट फॉर ऑल ऑफ द सिस्टम फीचर्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट रिलीज। और जेनेरिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो जनरल होता है, सबके लिए होता है, उसमें क्या है कि उसकी टेस्टिंग किस तरह से होनी चाहिए, उसमें सिस्टम फीचर जितने भी यूज़ हुए हैं उसमें उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। यू मे ऑल्सो टेस्ट कम्बिनेशन और फीचर्स टू चेक फॉर अनवांटेड इंटरेक्शन। और दूसरी चीज़ क्या है, फाइंड इनपुट और इनपुट सीक्वेंसेस वेयर द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज इनकरेक्ट, अनडिजायरेबल और डज नॉट कन्फॉर्म टू स्पेसिफिकेशन। दीज आर कॉज बाई डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर। वेन यू टेस्ट सॉफ्टवेयर टू फाइंड defects, you are trying to root out undesirable system behavior such as system crashes, unwanted interaction with other system, incorrect computation and data corruption. प्रोग्राम टेस्टिंग गोल्स। इसमें है कि अगर आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि डेवलपर और कस्टमर ने जो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है उन रिक्वायरमेंट्स को या नहीं, ठीक है। वैलिडेशन डिफेक्ट टेस्टिंग में क्या आता है, फर्स्ट गोल लीड्स टू द वैलिडेशन टेस्टिंग। यू एक्सपेक्ट द सिस्टम टू परफॉर्म करेक्टली यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ टेस्ट केसेस दैट रिफ्लेक्ट द सिस्टम एक्सपेक्टेड यूज।
The second goal lead to defect testing. Test cases are designed to expose defects. The test cases in defect testing can be deliberately obscure and need not reflect how the system is normally used. Testing process goals. इसमें validation testing आ जाएगा, defect testing आ जाएगा, टेस्टिंग प्रोसेस गोल्स में वैलिडेशन टेस्टिंग टू डेमोंस्ट्रेट टू द डेवलपर एंड द सिस्टम कस्टमर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट. मीन्स के सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है. अ सक्सेसफुल टेस्ट शोज द सिस्टम ऑपरेट्स एज इंटेंडेड. सक्सेसफुल टेस्ट क्या शो करता है कि सिस्टम को जिस तरह से ऑपरेट करना चाहिए उसी तरह से वो काम कर रहा है. डिफेक्ट टेस्टिंग में टू डिस्कवर फॉल्ट और डिफेक्ट्स. डिफेक्ट के नेम से जाहिर है कि आपने डिस्कवर करने हैं इसमें फॉल्ट्स एंड डिफेक्ट्स तो नहीं है सॉफ्टवेयर में. वेयर इट्स बिहेवियर इज इनकरेक्ट और नॉट इन कन्फॉर्मेंस विद इट्स स्पेसिफिकेशन. अ सक्सेसफुल टेस्ट इज अ टेस्ट दैट मेक्स अ सिस्टम परफॉर्म इनकरेक्टली एंड सो एक्सपोजिंग अ डिफेक्ट इन द सिस्टम. इनपुट आउटपुट मॉडल फॉर प्रोग्राम टेस्टिंग. इसमें इनपुट टेस्ट केस आ जाएगा, इनपुट टेस्ट डेटा, इनपुट्स कॉजिंग एनोमलीज बिहेवियर, देन सिस्टम, देन आउटपुट टेस्ट रिजल्ट. इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. वैलिडेशन में आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. वेरिफिकेशन में क्या आ जाएगा, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. यानी कि वैलिडेशन में हमने ये देखना है कि हमने जो सही प्रोडक्ट बनाई है यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर ठीक बना हुआ है. और वेरिफिकेशन में क्या आ जाएगा कि हमने प्रोडक्ट को ठीक राइट प्रोडक्ट बनाई है यानी प्रोडक्ट को ठीक बनाया है या नहीं. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. इफ बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, इसमें क्या कि सॉफ्टवेयर शूड कन्फर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन. यानी कि हमने राइट प्रोडक्ट बनाई है तो उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो काम कर रहा होगा. और अगर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, द सॉफ्टवेयर शुड डू व्हाट द यूजर रियली रिक्वायर्स. सॉफ्टवेयर को वही काम करना चाहिए जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट है. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कॉन्फिडेंस. वेरिफिकेशन वैलिडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज. इंस्पेक्शन एंड रिव्यूज एनालाइज एंड चेक द रिक्वायरमेंट, डिजाइन मॉडल द प्रोग्राम सोर्स कोड एंड इवन प्रपोज सिस्टम. दीज आर स्टैटिक वेरिफिकेशन वैलिडेशन टेक्निक्स इन विच यू डोंट नीड टू एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर टू वेरीफाई इट. यहाँ पे एम ऑफ वी एंड वी इज टू एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस दैट द सिस्टम इज इट फिट फॉर द पर्पस. सो डिपेंड ऑन सिस्टम पर्पस, यूजर एक्सपेक्टेशंस एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट. इसमें तीन चीजें आती हैं, सॉफ्टवेयर पर्पस, यूजर एक्सपेक्टेशन, मार्केटिंग एनवायरनमेंट. कि सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, वो अपने जो पर्पस है उसका. द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिपेंड्स ऑन हाउ क्रिटिकल द सॉफ्टवेयर इज टू एन ऑर्गेनाइजेशन. यूजर एक्सपेक्टेशन में यूजर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर हो. यूजर में हैव लो एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. मेकिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या है कि गेटिंग अ प्रोडक्ट टू मार्केट अर्ली मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन फाइंडिंग डिफेक्ट्स